जैसा कि मैंने होंडा WRV वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो में बोला था कि मैं 2020 होंडा WRV को बाकी सारी कॉम्पैक्ट SUVs के साथ कंपेयर करूंगा, इसलिए आज इस वीडियो में मैं 2020 WRV को 2020 मारुति ब्रेजा के साथ कंपेयर करने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सबसे पहले दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। होंडा WRV की डायमेंशंस हैं, लेंथ 3999 mm, विड्थ है 1734 mm, हाइट है 1601 mm और इसका व्हील बेस है 2550 mm का। दूसरी तरफ मारुति ब्रेजा की डायमेंशंस हैं, लेंथ 3995 mm, विड्थ है 1790 mm, हाइट है 1640 mm और इसका व्हील बेस है 2500 mm का। तो इन डायमेंशंस को कंपेयर करने पर यही पता लगता है कि होंडा WRV में आपको लेगरूम और नीरम तो ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन ब्रेजा में आपको ज़्यादा विड्थ और ज़्यादा हेडरूम मिल जाता है। तो अगर आप लंबे हैं तो आपको दोनों ही गाड़ियों में रियर सीट स्पेस में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, पर अगर आप एक एवरेज हाइट के हैं तो फिर आपको WRV का कैबिन ज़्यादा बढ़िया लगेगा स्पेस में। चलिए अब इन दोनों गाड़ियों के बूट कैपेसिटी और ग्राउंड क्लियरेंस को भी कंपेयर कर लेते हैं। 2020 WRV में आपको 353 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 188 mm की। दूसरी तरफ 2020 ब्रेजा की बूट स्पेस है 328 लीटर्स की और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 198 mm की। तो बूट स्पेस में तो 2020 WRV ब्रेजा से आगे निकल जाती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में पीछे रह जाती है। अगर ओवरऑल डायमेंशन और कैबिन स्पेस की बात करूँ तो काफी कड़ी टक्कर है दोनों कॉम्पैक्ट SUVs में। चलिए अब इन दोनों गाड़ियों के इंजन्स को कंपेयर कर लेते हैं। 2020 WRV में आपको दो BS6 इंजन्स मिलते हैं। एक है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 90 PS की पीक पावर और 110 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलता है। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो कि 100 PS की पीक पावर और 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलता है और मारुति ब्रेजा में आपको सिर्फ एक ही BS6 इंजन मिलता है जो कि है 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि 105 PS की पीक पावर और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिलते हैं। तो इंजन ऑप्शंस के मामले में तो 2020 WRV आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शंस प्रोवाइड करवाती है, लेकिन 2020 WRV का पेट्रोल इंजन 2020 ब्रेजा के पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के सामने फीका पड़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं इन गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की। 2020 WRV में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED फॉग लैंप्स, LED टेल लाइट्स, रियर वॉशर, वाइपर, डीफॉगर, शार्क फिन एंटीना, 16 इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स, 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, इंटीरियर्स में 7 इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक AC, मैनुअल डे नाइट IRVM, ऑटो फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स विथ टर्न इंडिकेटर्स, डिजिटल MID, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ 2020 ब्रेजा में आपको डुअल पॉड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED टर्न सिग्नल्स, LED टेल लाइट्स, रियर वॉशर, वाइपर एंड डीफॉगर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटोमेटिक फोल्डिंग ORVMs विथ टर्न इंडिकेटर्स, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, इंटीरियर्स में 7 इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, डिजिटल MID, ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक IRVM, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो फीचर्स के मामले में तो मारुति ब्रेजा 2020 WRV से आगे निकल जाती है। चलिए अब सेफ्टी फीचर्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। 2020 WRV में आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स,
मल्टी व्यू रियर कैमरा, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और दूसरी तरफ 2020 ब्रेजा में आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद हिल होल्ड कंट्रोल इन ऑटोमेटिक वेरिएंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स में तो दोनों गाड़ियों के मैनुअल वेरिएंट्स सिमिलर फीचर्स ऑफर करते हैं, लेकिन 2020 ब्रेजा के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको कुछ ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि ब्रेजा ने ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी क्रैश टेस्ट में 4 out of 5 स्टार स्कोर किए थे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब आखिर में इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को भी कंपेयर कर लेते हैं। 2020 WRV आपको सिर्फ 2 variants में मिलती है, जो कि एक शोरूम 8.5 लाख से 11 लाख के बीच प्राइस हैं। दूसरी तरफ 2020 ब्रेजा में आपको WRV से ज्यादा वेरिएंट्स मिल जाते हैं, और ये एक शोरूम 7.34 लाख से 11.4 लाख के बीच प्राइस है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट शामिल हैं। तो प्राइसिंग वाइज भी 2020 ब्रेजा 2020 WRV को अंडरकट करती है और वेरिएंट्स में भी आपको ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब आखिर में आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको इन दोनों में से कौन सी कॉम्पैक्ट SUV लेनी चाहिए। अगर तो आपको एक अफोर्डेबल फीचर लोडेड SUV लेनी है इन दोनों में से, तो फिर मैं आपको 2020 WRV के बेस SUV वेरिएंट लेने की सलाह दूंगा। और अगर आपको इन दोनों में से फीचर्स लोडेड वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर आपको 2020 ब्रेजा के मिड वेरिएंट्स के ऊपर वाले वेरिएंट्स को लेना चाहिए, जो कि एक शोरूम प्राइस के हिसाब से अराउंड 9 लाख के प्राइस हैं। और अगर आपको एक फुली लोडेड पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है इन दोनों में से, तो फिर तो आपके पास सिर्फ 2020 ब्रेजा ही है। लेकिन अगर आपकी डेली ड्राइविंग ज्यादा है, तो फिर आपको 2020 WRV के डीजल वेरिएंट्स में से किसी एक को लेना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से 2020 ब्रेजा और 2020 WRV के बीच एक कंपैरिजन रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।